जेएन चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए कमलेश शाह हमारे साथ, जिन्होंने अपनी विधायकी भी त्याग दी है। बीजेपी के लिए माना जाता है कि बेहद अच्छी रणनीति बनाते हैं वो चुनाव में जीतने के लिए। छिंदवाड़ा सीट इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सीट है बीजेपी के लिए। आप उस रणनीति के एक बड़े हिस्से हैं जिसके तहत छिंदवाड़ा जीता जाएगा। इस बार तो मेरे विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को अच्छा बहुमत मिलेगा और अच्छी लीड के साथ लोकसभा सीट के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई विवेक बंटी साहू को, हमारे इस क्षेत्र का आदिवासी माताएं, बहनें, बुजुर्ग बार सभी भरपूर सहयोग और आशीर्वाद देंगे ताकि हमारे इस क्षेत्र में विकास हो सके। आज मेरा भारतीय जनता पार्टी में जाना और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विकास नीति है उससे प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ा हूँ, और जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के सरकार में रहते हुए जो चल रही हैं उससे हमारे क्षेत्र की माताएं बहनों को भी लाभ मिल रहा है, किसानों को भी लाभ मिल रहा है, और यहाँ जो हमारा मरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है एक तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ की सबसे ज़्यादा और जो गंभीर समस्या है वो है पानी। हमारे आदिवासी भाइयों के पास ज़मीनें तो बहुत हैं मगर हम इस क्षेत्र का जो आदिवासी है वो सिर्फ वंचित है, तो वो सिर्फ पानी से, पानी डैमों के माध्यम से यहाँ सरकार के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगा तो हमारे आदिवासी भाई लोग हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ेंगे। कितनी बार से आप कमलनाथ परिवार को जिताते आ रहे थे? माननीय कमलनाथ जी तो 40 वर्ष से इस जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पहले वो सांसद रहे, फिर बीच में उनकी पत्नी, आपका भी उनकी जीत में लंबे समय से योगदान रहा, अब अचानक से जनता से आप क्या कह रहे हैं? जनता से यही कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए और विकास को ही हमने इस बार मुद्दा रखा है। नकुलनाथ को आपने जितवाया था, संतुष्ट नहीं है नकुलनाथ की कामकाज से? देखिए सांसद महोदय को हमने तो जिताया तो था और वो अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ही आदिवासियों के आशीर्वाद से जीते थे, यहीं से उन्हें काफी लीड मिली थी, मगर इस क्षेत्र के विकास में वो खड़े नहीं उतर पाए और इस क्षेत्र के विकास के लिए भी खड़े नहीं उतर पाए। कार्यकर्ताओं में भी बड़ा मनमुटाव रहा, ये बहुत सी कारण हैं कि अब कार्यकर्ता भी उन्हें पसंद नहीं करता और क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनको भी हल नहीं कर पाते वो। हर राजनेता अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, आपने बीजेपी में आने के लिए अपनी विधायकी छोड़ दी, क्या बीजेपी ने आश्वासन दिया आपको आपके विकास के लिए? माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई कि हम आपके अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भरपूर सहयोग करेंगे और अच्छे से अच्छा विकास, जो इस क्षेत्र की जो गंभीर समस्याएं हैं उनको सबसे पहले हल करेंगे। छिंदवाड़ा सीट हर हाल में बीजेपी की झोली में जाए, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं और कितनी उम्मीद है? अभी तो हम गांव-गांव में जाके हमारे समाज के सभी मतदाताओं से, सभी से हम संपर्क कर रहे हैं। मुख्य अपील क्या है? मुख्य अपील यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते
हमारे क्षेत्र का अगर विकास कराना है तो आप लोग भी सब मिलके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमतों से विजय बनाए। आपके बीजेपी में आ जाने से इतने भर से कितना फर्क पड़ जाएगा? ये तो मतदाताओं के ऊपर है। और 3 पंचवर्षीय से और उसके पहले से मेरे परिवार के जो भी सदस्य रहे हैं उन्होंने भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। मेरे दादाजी भी यहाँ विधायक रहे हैं, मेरी माताजी भी विधायक रही हैं, और ये तीसरी पीढ़ी समझ लें कि मैं यहाँ का तीसरी बार का विधायक इस क्षेत्र से हूँ। गोंड राजा भी कहा जाता है आपको? हाँ, मैं राज परिवार से हूँ, आदिवासी हूँ, गोंड राजा हूँ, और पारिवारिक जो परंपराएं रही हैं उसके अनुरूप हम लोग भी काम करते रहते, सेवा करते रहते हैं, और इस क्षेत्र के लोगों की जनता जनार्दन की सेवा करते हैं, मदद करते रहते हैं। जनता जनार्दन भरपूर हमें आशीर्वाद देती है। हम चाहे छोटा चुनाव लड़ें चाहे बड़ा चुनाव लड़ें, हमेशा हमारे क्षेत्र के समाज के लोग हमेशा मेरे परिवार के साथ जुड़े रहते हैं। कितना वोट आपको लग रहा है कि आपके इलाके से मिलेगा बीजेपी को? अब मैं तो इस बार का जो चुनाव लड़ा था 25,000 वोटों से जीता हूँ। मेरा प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को इस विधानसभा से 50,000 वोट की लीड के साथ हूँ। छिंदवाड़ा के एक बेहद खूबसूरत गांव में हम हैं जिसका नाम है कारापाठा। यहाँ कारापाठा के गांव वाले हमारे साथ हैं। अमरवाड़ा ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ पर तमाम नेता आ रहे हैं। गांव के मन में क्या है, क्या वो सोचते हैं बंटी साहू के बारे में, नकुल नाथ के बारे में, ये हम जानेंगे। आप लोग को क्या लगता है, इतने दिनों से आप लोग नकुल नाथ को जिताते आए हैं, क्या फिर एक बार जीतेंगे नकुल नाथ? देखो जी, कोशिश तो है, देखते हैं क्या होता है। आप लोगों को क्या लग रहा है? कोशिश तो है, देखते हैं क्या हो रहा है। सब लोग कॉपी करेंगे इस बार तो हम नया चेहरा विवेक बंटी साहू का देखना चाहते हैं, जो हमारे इस ऊंचे स्तर ग्राम कारापाठा को अच्छे स्थान पर पहुंचाने का काम करें। और पिछली बार आप लोगों ने नकुल नाथ को जिताया था? हाँ, पिछले बार तो जिताए थे, लेकिन 5 साल देखे कोई आने सांसद से हमें कोई काम नहीं मिला। क्या लग रहा है अभी तक तो आपके जो विधायक जी हैं यहाँ पे कमलेश शाह, वो आप लोग से आते थे कहते थे कांग्रेस को वोट दो, अब कह रहे हैं बीजेपी को वोट दो। वो इस बार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और हम गांव के लोग सब भारतीय जनता पार्टी में विवेक बंटी साहू को फिर से लोकसभा चुनाव में सफल करेंगे। तो ऐसा उन्होंने क्या कह दिया कि आज वो नकुल नाथ के पक्ष में थे, अब बंटी साहू के पक्ष में हो गए, तो आप लोग बंटी साहू के पक्ष में हो गए? नहीं नहीं, वो विकास की बात होती है, जनता पार्टी ने बहुत अच्छा विकास किया और विकास के साथ सब लोग वहीं। बाबूजी, आपके विधायक पलट गए? पलट गए जी, हम भी पलट गए कितना कुछ हैं, हम घोगड़ा कूद हैं का, जितने सरकार जाएगी उधर ही को जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे आप बताइए, है ना? सही बात है कि नहीं? तो शानदार बात, बड़ी बेबाकी से आप कर रहे हैं साहब जी, अब क्या बताऊं मैं, है ना भाई, शासन प्रशासन काहे से चलता, सरकार से चलती है, हम जनता क्या करेंगे आप बताओ, है ना? सही बात नहीं बाबू जी, हम जनता क्या करेंगे, है ना? जहाँ से राजा जाएगी उतर सब रैयत जाएगी, अब इसमें हम क्या करेंगे, है ना? तो पंडित जी ये तो कह रहे हैं कि हमारे विधायक भी पलट गए, हम भी पलट गए, पूरा गाँव पलट गया। ये तो राजनीतिक पैगाम है, आता है और जाता है। हमारा गांव और हमारा आदिवासी जो बाहुल क्षेत्र है, विकास की प्रगति से बहुत पिछड़ा है। जो हमारे विधायक जी ने जो कहा है वो हम झेलते आ रहे हैं। हमारा कारापाठा और हमारा आदिवासी क्षेत्र परिवर्तन चाह रहा है। तो परिवर्तन चाह रहा है, आपको हम दिखाएं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये इलाका है अमरवाड़ा का, यहाँ कारापाठा ये गांव है, छोटी छोटी दूरी पर थोड़े थोड़े मकान हैं और पूरा का पूरा जो गांव है
वो ये कह रहा है कि अभी तक हम कांग्रेस को वोट देते थे, लेकिन हमारे विधायक कमलेश शाह अब बीजेपी में आ गए हैं तो अब हम बीजेपी को वोट देंगे। बड़ी बेबाकी से लोग बात कर रहे हैं, अलग अलग हम लोगों से बात करते हैं। आप लोग बताइए, आप लोग युवा हैं, वोटर हैं, क्या आप लोग के मन में है, किसको वोट देंगे? बीजेपी में देंगे वोट। और पिछली बार किसको दिया था? पिछले बार कांग्रेस को दिया था। तो इस बार क्यों आप बीजेपी को देंगे? आप लोग क्या है कि अब सभी जनता जा रही है तो हम भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं की ओर ध्यान देते हुए, इसलिए बीजेपी को वोट देना चाहते हैं। तो अभी तक कांग्रेस को क्यों देते थे? सरकार तो पिछली बार भी बीजेपी की ही थी। क्या है कि उस बार बोल रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इसलिए पब्लिक ने उनको वोट दिया था। वो सरकार बनी भी लेकिन पलट गई। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी गांव वाले हैं सभी कह रहे हैं कि विकास को लेकर के हम बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं, क्योंकि डबल इंजन की जो सरकार है उसके लिए आप लोग पलट गए। मैं तो 10 वर्षों से बीजेपी में जुड़ा हूँ और मैं इस बार विवेक बंटी साहू को जीतने के पावर में देखना चाहता हूँ और जीतेगा। तो ये जो जीतेगा का दम है ये कहाँ से आ रहा है? क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि नकुल नाथ जो हैं उनकी पकड़ बहुत है, कमलनाथ और नकुल नाथ की जी। देखते हैं जनता किधर पलटती है, कैसा होता है, देखेंगे अब। नकुल नाथ की जो पकड़ है दादा, हर बार कमलनाथ जीतते थे, इस बार उनके बेटे नकुल नाथ हैं, पिछली बार भी नकुल नाथ जीते थे, तो जो परिवार की पकड़ है उसके कारण बंटी साहू के लिए दिक्कत आएगी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जो जनता जनार्दन है बाबूजी, है नहीं, किसको चुन रहे हैं, नहीं है नहीं है। मगर इस बार जो ही है, हम देखते भी आ रहे हैं, 45 साल रहे अमरनाथ कमलनाथ, हाँ कमलनाथ यहाँ 45 वर्ष रहे और सांसद भी रहे, एक ही बार उनने हारे थी न, 45 वर्ष जो है ना, हाँ सुंदरलाल पटवा थे, जब से है नहीं वाला, जब से ये जीतते चले आए तो कम से कम ये 45 वर्ष रहे और ये कई साल कम भाई थे नहीं, हाँ उसके बाद में चले आए, फिर नकुलनाथ जी हो गए खड़े, बेबी जीत गए, फिर अब क्या कर रहे हैं, ऊपर बारे ऊपर जाने सब उतर गिर गई सरकार, है ना, तो ये भी वंचित हो गए। अब 2-3-4 महीना कितनी चली सरकार जाओ पता नहीं है। तो उनकी सरकार चली गई थी तो इसका सिंपैथी वोट उनको मिलेगा? आप लोग के मन में कोई उनके प्रति अब लगाव बचा है? किसके पास? नकुल नाथ के प्रति? अब वो भाई, अब हम तो पलट है, वोट देंगे ना, है ना, क्या भला, जो भारी बर्तन चाह रहे हैं हम सब, डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चों का जो परिवार का जो बड़े बड़े बच्चे जो घूम रहे हैं, हाँ कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, सी बात है और कुछ नहीं। तो नकुलनाथ इस बार जा रहे हैं, कमलनाथ का जो राजनीतिक विरासत है वो खत्म होने वाली है? अब ये तो हम कह नहीं सके, हम तो सिर्फ अपने गांव का बूथ का और क्षेत्र का कह सकते हैं, अब पूरी छिंदवाड़ा भर की पूरी छिंदवाड़ा जिला की नहीं कह सके, वो तो भाई जनता है बस। नकुलनाथ के काम से सहमत नहीं आप लोग? अब हम हमारे विचारों से तो नहीं है। तो इस तरीके से एक एक गांव में जाकर के कमलेश शाह प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी छिंदवाड़ा सीट को जीतने के लिए हर तरह से कोशिश कर रही है और एक मुकम्मल रणनीति पर चल रही है, लिहाजा एक एक आदमी जो उनके काम का कांग्रेस में है उनको वो बीजेपी ज्वाइन करा रही है। इसी क्रम में कमलेश शाह का भी बीजेपी में ज्वाइनिंग हुई और उन्होंने अपनी विधायकी छोड़ी और अब जगह जगह घूम करके एक एक गांव में जा करके लोगों को इस बात के लिए सहमत कर रहे हैं कि इस बार कमलनाथ के परिवार को, नकुलनाथ को नहीं बल्कि बंटी साहू को वोट दीजिए, बीजेपी को वोट दीजिए, और जनता जो है कमोबेश कमलेश शाह की बात मानती दिख रही है। कैमरामैन रवीश कुमार के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़ छिंदवाड़ा।